नमस्ते सर, मिरर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रसाद पाटिल है, मुख्य संपादक हूँ मिरर महाराष्ट्र न्यूज का। एक अभ्यासपूर्ण वीडियो आपका जो सामने आया है, जो बताता है कि यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र में हलचल चल रही है या सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, उसमें बीजेपी का हाथ है, ऐसा प्रतीत होता है आपके वीडियो से। तो आपका क्या प्रथम ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में? नहीं, क्लियर, इसमें बीजेपी का हाथ तो पूरा ही है, क्योंकि अगर ये समझिए अंदरूनी मामला होता शिवसेना का और विधायक नाराज होके कहीं भी जाते, तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता होता। पहली बात, जिस तरह से सूरत में ली मेरिडियन होटल में प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से स्वागत किए उनका, मतलब गुजरात बॉर्डर से लेके होटल ले गए, फिर पूरी व्यवस्था की, होटल बुकिंग्स कराए, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। उसके साथ में महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं, मतलब भाजपा के जो संजय कुटे साहब हैं, आमदार हैं, उसके बाद में मोहित कम्बोज हैं, ये लोग प्रेजेंटली शुरू से एंड तक वहां पे थे, अभी भी गुवाहाटी में हैं। तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप पिक्चर्स आपके सामने हैं कि भाजपा पूरी तरह से इसमें जो ऑपरेशन लोटस है वो एक्टिवेट कर चुकी है। लेकिन सर ये तो दिख रहा है, लेकिन ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के चंद्रकांत दादा या देवेंद्र फडणवीस साहब, वो फिलहाल के लिए ये कबूल क्यों नहीं रहे, आपको क्या लगता है? कोई 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 भी आरोपी ये बोलता है क्या मैंने ये गुनाह किया है सर? नहीं, लेकिन उनका तो सरकार स्थापन होना होने वाला है, तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक नहीं, मतलब उसके लिए ट्राई तो कर रहे हैं ना? नहीं सर, अभी पूरा मैं आपको एकदम इंटरनल अगर रणनीति अगर आप एक पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कोई भी हलचल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। अभी जो पिछली बार देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो गलती की थी, सुबह 4 बजे जो शपथ ग्रहण हुआ था महाराष्ट्र में अजित दादा साहब के साथ में, वो गलती रिपीट नहीं होने के लिए अभी बीजेपी वेट एंड वॉच में है। तो ये इंतजार कर रही है कि जो आमदार 38 या 40 आमदार है वो फूटेंगे तो नहीं, क्योंकि शिवसेना ने जिस तरह से महाराष्ट्र में पूरे सड़क पे उतर के जो आंदोलन चालू किया है, कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं आमदार फूटने का चांसेस बढ़ गया है। आज राज्यपाल जी अपने मतलब हॉस्पिटल से राजभवन पहुंचे हैं, उनकी भी अभी तक कहीं से भी अधिकृत रीत पर कहीं से भी एक अलग गट बनाना, सरकार गिराना अल्पमत के लिए या फ्लोर टेस्ट के लिए कोई भी लेटर या कोई भी एक्टिविटी ना, वही यही तो महाराष्ट्र के जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो आप क्या देख रहे देख पा रहे विधायक जो टूटे हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ में, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि एकनाथ शिंदे जी हमको संभाल पाएंगे, बचा पाएंगे, या फिर भाजपा सरकार हमको बचा पाएगी? नहीं, लेकिन फिर इतने बड़े पैमाने पे चले तो गए साथ में, होता है सर मोमेंटम होता है, उनको लगा कि नहीं भाजपा हमें बैकअप दे देगी और हम लोग ये सरकार स्थापना कर लेंगे, लेकिन टेक्निकली बहुत सारी चीजें इसमें फंस गई हैं। जैसे आमदार की रद्द होने के लिए जो 16 एप्लीकेशन दी गई हैं उसमें समन्स जारी हुआ है, मंडे को 5 बजे तक जवाब देना है, आप भी जानते हैं कोई जवाब नहीं आने वाला है, क्योंकि उप अध्यक्ष जो है अपने विधानसभा के उपाध्यक्ष उनके सामने हाजिर होके ये जवाब देना है, बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है कि कोई आमदार मुंबई महाराष्ट्र इस समय आ पाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली, और बीजेपी जो भी नाराजगी है विधायकों की, उसमें सिर्फ शिवसेना ने 16 लोगों को ही टारगेट किया है, बाकी लोगों के लिए अभी भी रास्ता रखा है कि आप शिवसेना में वापसी कर सकते हैं, बट जो 16 मेन लोग थे जिन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा, उनके आमदार की रद्द करने के लिए लेटर दिया है। शिवसेना चाहती तो सारे 38 लोगों को दे सकती थी आमदारों को नोटिस, 16 को क्यों दिया? क्योंकि बाकी के लिए रास्ता ओपन रखा है कि आप अभी भी आ सकते हो हमारे पास। आपने मैंने आपका पूरा देखा वो वीडियो, आपने सीधे सीधे ऐसा आरोप या फिर ऐसा बताया है कि उसमें कि ईडी इसमें सबसे ज्यादा रोल निभा रही है, स्पेशली आपने प्रताप सरनाइक हो या अमीन यादव ऐसे जो विधायक जो शिवसेना का नाम यूज करके संपत्ति जमाई, तो उनके ऊपर कुछ तो केंद्र की तरफ से दबाव है या फिर एकनाथ शिंदे इनके ऊपर दबाव है, ऐसा आपने बोला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दबाव नहीं है सर, ये ओपन है। लास्ट 2000 जुलाई 2021 में प्रताप सरनाइक ने बाकायदा उद्धव जी को लेटर लिखा था इस मामले में कि हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, केंद्र के यंत्रणाओं की वजह से।
तो कृपया आप इस विषय में सोचिए और भाजपा के साथ संगठन मतलब वापस से गठबंधन करने की तैयारी मतलब रखिए आप। ये ओपन है, इनको इसी में अगर आप गवर्नमेंट बन जाती है एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा सरकार बनाती है भविष्य में, और अगर ये इनके ईडी की इंक्वायरी में इनको बाइज्जत बरी कर देते हैं, इसका मतलब यही होगा कि इन्होंने जो 150 करोड़ या 170 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार इनके ऊपर आरोप था वो सेटल हो गया, ईडी उनको क्लीन चिट दे देगी। बहुत सारे केसेस में हमने इसमें देखा है, महाराष्ट्र छोड़ के अदर राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो ये संभावनाएं वहां पे मिली है। लेटेस्ट अगर आप देखिए तो जो सिंचाई घोटाला था हमारे महाराष्ट्र का 70,000 करोड़ का था, जिसपे अजीत दादा जी के ऊपर आरोप लगे थे, सुबह का शपथ ग्रहण होता है उनके ऊपर 70,000 करोड़ का जो आरोप था उसको एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी जो सीबीआई वगैरह है वो क्लीन चिट दे देती है। ये होता है एक्चुअली पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, आप हमें सरकार गिरा के हमारी सरकार स्थापना करिए, बदले में आपके सारे आरोपों को हम खारिज कर देंगे। लेकिन विधायक बोल रहे कि हिंदुत्व की विचारधारा है इसलिए हम ऐसा नहीं है, ये बहाने होते हैं। देखिए हिंदुत्व का मैं अगर आप बोलूं तो अब्दुल सत्तार का कोई मतलब नहीं बनता जो वहां पे बैठा हुआ है, अब्दुल सत्तार इस्लाम फॉलोइंग का, हिंदुत्व का उसका क्या लेना है? उसका जो उस विचारधारा से अलग भी और एक है कि निधि नहीं मिला वो अजीत दादा पवार इनके ऊपर प्रॉब्लम यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम इनको यहाँ पे कि इनको कमाने को नहीं मिला जिस तरह से। अच्छा एक बात बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके डेवलपमेंट के लिए जितना एनसीपी को पैसा मतलब मिला उतना शिवसेना के विधायकों को डेवलपमेंट के लिए नहीं मिला, ऐसे भी उसका एक संवैधानिक तकरार प्रक्रिया है सर। आप विधानसभा अध्यक्ष के पास कंप्लेन कर सकते हैं, आप बाकायदा पत्र लिखकर विधानसभा के अंदर इसको मुद्दा उठा सकते हैं कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हमारे विधानसभा में। ये तरीका नहीं था जो इन्होंने अपनाया है। और दूसरा रही बात ये जिस तरह से भाजपा को ये फोकस कर रहे हैं कि भाजपा के साथ सरकार बननी चाहिए, ये सेम अक्टूबर 2015 में एकनाथ शिंदे जी ने भरी सभा में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और शिवसेना और भाजपा का गठबंधन सरकार थी, मंच पर से इन्होंने सिर्फ इस कंप्लेन में रिजाइन कर दिया था, उद्धव जी के हाथ में राजीनामा पत्र दे दिया था कि हमारे कार्यकर्ताओं पे भाजपा की तरफ से अत्याचार हो रहा है, फेक गुने दाखिल किए जा रहे हैं, जिसके आरोप में अगर एकनाथ शिंदे जी मंच से अगर राजीनामा दे सकते, उनकी वीडियोज यूट्यूब पे है, आप एकनाथ शिंदे रिजाइन 2015 डालिए, देखिए उसमें आएगा आपको। वो इंसान आज ये कह रहा है कि नहीं हमें हिंदुत्व के लिए भाजपा के साथ सरकार बनानी है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग करना है, उस समय ये रिजाइन कर देते हैं। इस समय ये जब आघाड़ी सरकार अच्छी चल रही है, महाराष्ट्र में स्टेबल सरकार है, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये पूरा खेल जो है ना पैसे का है सर, हर आमदार को अच्छा पैसा दिया गया, ईडी के केसेस हटा लिए जाएंगे, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, आपको बहुत ज्यादा निधि वाटप आपके विधानसभा में मिलेगा, आप कमाइए कितना कमा सकते हैं। एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी बहुत काफी सारे कि 50-50 करोड़ रुपए का हर एमएलए को डिसाइड हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई आप जानते हैं, मतलब आपको लगता है? मैं आपके आप पहले ऐसे पत्रकार हैं जिसको मैं ये सूचना देने जा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ ट्रांजेक्शन्स की चीजें मेरे हाथ आई हैं जिसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर रहा हूँ, और अगर वो मुझे ऑथेंटिक पाया जाता है तो माननीय गृह मंत्री जी के सामने वो सारे एविडेंसेज रख के, मतलब ये सच होने के आसार है ऐसा आपको लगता है? सच होने के आसार नहीं है, ये कम्प्लीट 100% सच है। गुजरात से हवाला के माध्यम से आमदारों को पैसा भेजा गया, उस चैनल को मैं बस्ट करने की एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे हाथ में सबूत आते हैं मैं पब्लिकली इसे डोमेन पे रखूंगा और पब्लिक को दिखाऊंगा कि जिस तरह से ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने केसेस खत्म कराना, पैसा कमाना, सिर्फ इन आमदारों का एकमात्र यही एक उद्देश्य है जिसकी वजह से आज इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है। आप एक जगह ऐसा भी वीडियो में बोलते हैं आपके या आपके इसमें स्पीच में कि 3 जुलाई तक का उनका टारगेट है नया या फिर सरकार गिराने का या प्रक्रिया का, और आज एबीपी माजा या एबीपी न्यूज पे खबर ये आई है कि 30 जून तक पास की बुकिंग है वो होटल की गुवाहाटी की, तो ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये शायद से आपने जो बोला है वो सच अभी होने जा रहा है।
नहीं देखिए, मेरे जो सोर्सेज हैं, मैं जब भी किसी चीज को एक्सपोज करता हूँ या चीजें रखता हूँ पब्लिकली, तो उसकी मेरे पास ग्राउंड्स होती हैं, मेरे पास एविडेंसेस होते हैं। बीजेपी के अंदर मेरे भी रिसोर्सेज हैं, मैं लगातार 4 साल से उनको क्रिटिसाइज करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा 36 का आंकड़ा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो बीजेपी में रहते हुए भी मुझे मदद करते हैं। ये उनकी तरफ से आया हुआ डेट था कि विनय जी 3 जुलाई तक हम लोग भाजपा और जो एकनाथ शिंदे गुट है, हम लोग सत्ता स्थापना की प्रक्रिया शुरू करेंगे या स्थापित करने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। तब जाके कहीं मैंने वो चीज डिस्क्लोज की पब्लिकली कि 3 जुलाई की डेडलाइन इंटरनली हमें मिली है जानने के बाद, और हो सकता है उसके बीच में सरकार स्थापना की जाए या उसकी कोशिश स्टार्ट कर सकते हैं। शरद पवार साहब की इस सब में एंट्री जब हुई, और ये जो जिस तरह से शुरू के 2-3 दिन में स्पीडली घटनाएं हुई, अभी वो शांत होती नजर आ रही है। काफी सारे न्यूज चैनल पे शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं को फोन डायरेक्टली आया हुआ वो दिखाया जा रहा है कि हमको उद्धव साहब के साथ बिठाओ, तो कैसे देखते हैं शरद पवार साहब की एंट्री और ये सब हुआ क्या सब बीजेपी की सरकार स्थापन होने वाली है या फिर क्या लगता है आपको? उसके पीछे जो एक बड़ा कारण जो है, क्योंकि मेरे कुछ पत्रकार बंधु हैं और वो गुवाहाटी में जिस रेडिशन में रुके हैं वहाँ पे मेरे भी लोग अंदरूनी तौर पे वहाँ पे हैं, तो जो जानकारी अंदर से निकल के आ रही है उसके हिसाब से यही है कि जो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर उनके आमदारों का विश्वास था वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। अब उनको अपने भविष्य की चिंता हो रही है। अब 40 में से सिर्फ 16 लोग की अगर आमदारी रद्द होगी तो बाकी लोग इसमें डिसबैलेंस हो जाती है, पूरा जो अलायंस है इनका, जो विश्वास है एक दूसरे के ऊपर वो टूट जाता है, मतलब एकता टूट रही है उनके बीच में। वो जो डर है, इसके लिए लोग अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए अलग अलग चैनल, अलग अलग मंत्री और गुटों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो गलती हुई है उसको सेटल कर दिया जाए और हम लोग को फिर से वापस ले लिया जाए, या इस तरह से हमें, मतलब जो तीव्रता है, मतलब जो हम यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है भविष्य में उसकी तीव्रता को कम करने के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है। तो आपको पूरा विश्वास है कि ये भी आज का भी बीजेपी का ये जो पहल है, आज की भी ये कोशिश है महाराष्ट्र को डिस्टर्ब करने की, ये भी फेल हो जाएगी? 100% फेल होती दिख रही है सर। महाराष्ट्र में जिस तरह से ऑपरेशन लोटस इन्होंने एग्जीक्यूट किया, इनको कॉन्फिडेंस था कि एकनाथ शिंदे के पास बहुत बड़ा चंक ऑफ एमएलएज का सपोर्ट है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस वो पैदा नहीं कर पा रही है। इसी के लिए बीजेपी आपको कहीं पर भी डायरेक्ट पिक्चर में नहीं दिखा रही है। आप कहीं भी देखेंगे देवेंद्र फडणवीस के मुंह से नहीं निकल रहा है, कहीं पर भी बीजेपी के जो लीडर्स है वो साइड हो रहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो इसी के लिए हो रहा है कि जो गलती इन्होंने 2019 में की थी अजीत दादा के साथ में, मुंह के बल गिरे थे, वैसा वापस ना हो। तो ये सब करके उनको क्या, अगर ये आपके कहने के अकॉर्डिंग अगर ये सब फेल हो जाता है तो फिर आखिर क्या मिला? जनता को तो पता है इस सब के पीछे। बीजेपी देखिए हमेशा से सत्ता के लिए कोशिश करती रही है, ये जग जाहिर है। ऑपरेशन लोटस जो इनकी खुद की रणनीति है वो इसी के लिए बनाया गया था कि जहां पर हम जनता द्वारा नहीं चुने जाएंगे वहां पे विधायकों की खरीद परोस करके उनके ऊपर ईडी का दबाव डाल के और यंत्रणा का दबाव डाल के हम सरकार स्थापित करेंगे। उनका सिंगल एजेंडा है कि हमको सरकार स्थापित करना है, चाहे जैसे भी करना पड़े। और देखेंगे जब से महाविकास आघाड़ी बनी है तब से शिवसेना ये प्रयासरत है कि किसी न किसी तरीके से इसको तोड़ के हम अपना सरकार स्थापित कर ले। सिंगल एजेंडा है सर, सत्ता हासिल करना चाहे जैसे भी। धन्यवाद विनय दुबे जी, आप हमेशा ही आक्रमक रहे हैं अपने, और आपकी जो टेलीफोनिक इंटरव्यू मैंने ली है जैसे कि तैसे अनकट हम लगाने वाले हैं, आप हमको परमिशन दीजिए और एक सच्चाई हमेशा आप साथ, मतलब जनता के सामने काम कर रहे हैं। आपका जो चैनल है वो जनता को हकीकत दिखा रहा है, बहुत कम यूट्यूब चैनल है, आप जैसे पत्रकार अभी हैं जमीनी स्तर पर जो एक्चुअल वास्तविकता पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को, और जो लोग भी इस वीडियो को या इस ऑडियो कॉल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको निवेदन करूंगा कि आपके साथ खड़े रहें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।